Good afternoon, friends. Today, my next topic, will be a specific force. Okay, some of the topic which I have left is not there in one book, so I have copied from another book. This is the momentum in open channel flow, and momentum in open channel flow is explained through a specific force. See, in this case, what they did was, we have to consider that we know B is the mean velocity, D, Q is the discharge. Okay, these are the terms which have been used. So, momentum of the flow passing through a channel section per unit time is given as WQB by G. Okay, W is the specific weight, Q is the distance, V is the velocity, and this is the momentum equation for a flow which is taking place in a channel per unit time. WQ into V, specific weight into distance into velocity by mean velocity by Q. So, if we use the Newton's second law of motion, it says the rate of change of momentum in any body of the water, if it is flowing in a channel, will be equal to the resistance of all the forces that are acting on the body. मतलब इसमें क्या होगा कि जितना भी न्यूटन्स का अगर वो यूज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उसका इक्वल होगा रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज जो एक्ट हो रहा है बॉडी में. अभी अगर हम लोग ये प्रिंसिपल यूज करेंगे चैनल का जिसका बेड स्लोप बहुत ज़्यादा है, मतलब लार्ज बेड स्लोप, तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जो कोई भी दो सेक्शन के बीच में हम लोग कंसिडर करेंगे, सेक्शन और टू के बीच में, उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, WQ by G into V2 minus V1, क्योंकि दो सेक्शन के बीच में, इक्वल टू P1 minus P2 plus W sin theta plus FF. देखो ये इक्वेशन को दो सेक्शन के बीच लगे, एक सेक्शन का V2 है, एक सेक्शन का V1 है, एक सेक्शन का P1 प्रेशर है, एक का P2 है, और W sin का क्या है कि वाटर का जो कंपोनेंट होता है, जो वाटर बॉडी होता है, इंटर वाटर बॉडी, उसका वेट का कंपोनेंट है W sin theta. इस तरह इक्वेशन हमने पहले भी करा, स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट करके, ठीक है. और जो P1 और P2 है, देखो ये सेक्शन कैसे मैं एक बार बना के दिखाता हूँ. ये मैंने डायग्राम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो इररिलेवेंट है. देखो सोचो, ये हमारा चैनल बेड है, ठीक है, ये हमारा चैनल बेड है, ये हमारा सेक्शन है, हम लोग सेक्शन पानी का डेप्थ है, ये हम लोग का सेक्शन टू है, ये वन ए टू. इसमें सोचो ये हम लोग का बी वन है, ये हम लोग का बी टू है, ये हम लोग का पी वन है, यहाँ में हम लोग का पी टू है, ठीक है. तो डब्लू क्यू बी टू बाई बी वन क्या होगा, हम लोग का सोचो इक्वेशन कैसे, डब्लू क्यू जी इंटू बी टू, ठीक है, पहले ये सेक्शन का वेलोसिटी, ठीक है, माइनस डब्लू क्यू इंटू बी वन, ठीक है, ये हम लोग का सेक्शन टू और वन के बीच में, और ये क्या होगा इक्वल टू जो ऑल द फोर्सेस, क्या क्या फोर्सेस आ रहा है, पी वन माइनस पी टू है ना, प्लस डब्ल्यू साइन थीटा, क्योंकि वाटर कंपोनेंट हमें ए साइड में लगा और फ्रिक्शन कंपोनेंट ए साइड में, तो डब्ल्यू साइन थीटा प्लस होगा और फ्रिक्शन कंपोनेंट माइनस होगा. देखो इसमें ये क्या है कि जो W है ये हम लोग का है तो वेट ऑफ वाटर जो दो सेक्शन के बीच में है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ, ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है चैनल बॉटम का हॉरिजॉन्टल के साथ, और हम लोग जो एफ एफ है फ्रिक्शनल, ये है हमारा टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस का वजह से जो एक्ट हो रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो प्रिज्मेटिक चैनल है, प्रिज्मेटिक चैनल मतलब जिसका सेक्शन कॉन्स्टेंट है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, थीटा को जीरो मानेंगे और एफ एफ को नेग्लेक्ट करेंगे, मानेंगे वो मोस्टली बहुत स्लो बहुत कम रहता है इसीलिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम रहता है. तो इक्वेशन क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा, वो मॉडिफाई होकर हम लोग का इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग बन जाएगा डब्ल्यू क्यू इंटू बी टू माइनस बी वन बाई जी इंटू पी वन माइनस पी टू, ये हम लोग का मॉडिफाई होकर हो जाएगा. अभी क्या होगा, सोचो हॉरिजॉन्टल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो सेक्शन वन एंड टू में है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू ए वन जेड वन और डब्ल्यू ए टू जेड टू बार, इसे हम लोग लिखेंगे, है ना. और ये ए वन और जेड वन क्या है, एरिया है सेक्शन वन में, ए टू है सेक्शन टू में, और जेड वन और जेड टू जो है ये क्या है, सेंट्रॉइड का डेप्थ है ना, सरफेस ऑफ द वाटर से सेंट्रॉइड का डेप्थ है. ये हम लोग का सेंट्रॉइड जो पानी का है, पानी का मास का जो सेंट्रॉइड है उसका सरफेस एरिया से फ्लो का सरफेस से उसका डेप्थ है, तो उसको हम लिख सकते हैं, और बी वन को लिख सकते हैं क्यू वन बाई ए वन और क्यू टू बाई क्यू बाई ए टू, सॉरी क्यू वन क्यू और क्यू टू दोनों सेम रहेगा. अगर दोनों को हम लोग पहले का इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग का ये लिख सकते हैं कि डब्ल्यू क्यू बाई जी इंटू क्यू बाई ए टू माइनस ए वन, जो डब्ल्यू ए जेड वन बाई डब्ल्यू ए टू जेड टू, और इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली हम लोग का इक्वेशन आएगा क्यू बाई क्यू स्क्वायर बाई जी इंटू ए वन प्लस ए वन बाई जेड वन बार प्लस क्यू टू बाई जी ए टू प्लस ए टू जेड टू बार. और ये जो टर्म है
इसमें हम लोग को मिलेगा कि बोथ साइड्स के एनालॉगस दिखते हैं, ए साइड और ए साइड के वन और टू सेक्शन का एनालॉगस है। तो इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू जी ए बाई ए जेड बार। और इसमें दो दो पार्ट मिला, एक पार्ट ए है, एक सेकेंड पार्ट वो है। क्यू बाई जी इंटू ए, अगर पहला पार्ट को हम लोग देखेंगे, इसको बोलते हैं मोमेंटम ऑफ द फ्लो पासिंग थ्रू द चैनल पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर। और अगर ए जेड बार हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये दोनों को ऐड करके जो होता है एफ, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स का मतलब होता है सम ऑफ बोथ द टर्म, जो क्यू बाई जी क्यू स्क्वायर बाई जी ए प्लस ए जेड बार है, दोनों का सम को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक फोर्स। ठीक है, अभी क्या है, इसमें अगर हम लोग देखेंगे, जैसा कोई भी गिवन स्पेसिफिक फोर्स के लिए हम लोग का जो डिस्चार्ज रहेगा सेक्शन में वो मैक्सिमम तभी होगा जब वो क्रिटिकल स्टेट में है। क्या होगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिक फोर्स कोई भी पार्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए, कोई भी गिवन चैनल सेक्शन के लिए मैक्सिमम तब होगा जब वो क्रिटिकल स्टेट में रहेगा। मतलब क्रिटिकल स्टेट में ही है जो डिस्चार्ज हम लोग मिलेगा, वो कोई भी गिवन स्पेसिफिक फोर्स के लिए वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और उसको हम लोग उसको कैसे, इक्वेशन क्यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू ए क्यूब बाई टी से उसको डिनोट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्रिटिकल स्टेट ऑफ द फ्लो थ्रू चैनल। इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, जो क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, पहला पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो मिनिमम रहेगा कोई गिवन डिस्चार्ज के लिए। स्पेसिफिक फोर्स क्या रहेगा, हमेशा मिनिमम रहेगा कोई भी गिवन डिस्चार्ज के लिए। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा, डिस्चार्ज मैक्सिमम रहेगा कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। और तीसरा पॉइंट है हम लोग का, स्पेसिफिक फोर्स जो है मिनिमम रहेगा कोई भी गिवन डिस्चार्ज के लिए। और चौथा पॉइंट है हमारा कि द डिस्चार्ज इज मैक्सिमम कोई भी स्पेसिफिक फोर्स के लिए। डिस्चार्ज क्या रहेगा, कोई भी गिवन स्पेसिफिक फोर्स के डिस्चार्ज हम लोग का मैक्सिमम रहेगा। और द वेलोसिटी हेड जो है ये इक्वल होगा हाफ द हाइड्रोलिक डेप्थ इन ए गिवन चैनल फॉर ए स्लोप। और थर्ड नंबर जो है हमेशा क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है चैनल ट्रांजिशन। चैनल ट्रांजिशन क्या होता है, देखो सोचो बहुत लंबा चैनल है, बहुत लंबा चैनल में सेम क्रॉस सेक्शन का चैनल हम लोग लेके नहीं जा सकते, सेम स्लोप सेम हाइट सेम क्रॉस सेक्शन हम लोग लेके नहीं जा सकते, कभी कभी उसको चेंज करना जरूरी होता है। बहुत रीज़न है, मैं बताऊँगा कौन कौन सा रीज़न है ना, मतलब चैनल क्रॉस सेक्शन को चेंज करना जरूरी होता है जब जो कनेक्ट करता है वन यूनिफॉर्म चैनल से दूसरा चैनल के बीच में, जब वन यूनिफॉर्म चैनल को दूसरे यूनिफॉर्म चैनल में हम लोग उसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को चैनल ट्रांजिशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है ना, तब उसको कहते हैं ट्रांजिशन चैनल। ठीक है, और इसका जो कनेक्टेड चैनल है जरूरी नहीं है कि वो सेम क्रॉस सेक्शन को, मतलब इट मे और मे बी मे नॉट बी ऑफ सेम क्रॉस सेक्शन। ओके, और ये जो वेरिएशन होता है सेक्शन में, एक क्यू क्यू हो सकता है, ये मे बी ड्यू टू रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द विथ, वो विथ का कम और ज़्यादा करने का वजह से भी हो सकता है, और नहीं तो रेजिंग और लोअरिंग ऑफ द बॉटम चैनल, बॉटम चैनल का आप ऊपर नहीं तो नीचे लाने के लिए भी हो सकता है, नहीं तो चैनल ट्रांजिशन साडन और ग्रेजुअल भी हो सकता है। साडन और ग्रेजुअल, साडन मतलब शॉर्ट लेंथ में और ग्रेजुअल मतलब लंबा लेंथ में होगा, मतलब स्लोली होगा कि साइडली होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट होता है चैनल ट्रांजिशन हम लोग कहाँ कहाँ में यूज़ करते हैं। मीटरिंग ऑफ फ्लो, फ्लो मीटरिंग का मतलब होता है कि डिस्चार्ज का क्वांटिटी वो हम लोग पता करने, कितना पानी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जा रहा है वो पता करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। नहीं तो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए, जो एनर्जी है पानी का उसको कम करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो इरोशन वगैरह कॉज करता है, डैमेज करता है कैनाल को, उसी लिए भी हम लोग कर सकते हैं। और वेलोसिटीज को रिड्यूस नहीं तो इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि सोचो एक बड़ा सेक्शन है उसको हम लोग कम कर दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, एक कम हो गया सेक्शन तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ऐसा है तो वेलोसिटी हम लोग ऐसा कर दिया तो ये यहाँ में इससे कंपेयर में यहाँ में क्या होगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो कम और ज़्यादा करने के लिए भी कर सकते हैं। नहीं तो कहेगी चैनल सेक्शन को चेंज करने के लिए भी कर सकते हैं, नहीं तो अलाइनमेंट को ऐसे रखना है कि मिनिमम एनर्जी डिसिपेट हो, उसी लिए भी हम लोग कर सकते हैं। तो कुछ कुछ बुक में दिया है तो मैंने इसको लिखा नहीं, देखो बुक में क्या है कि कुछ कुछ पॉइंट दिया है जैसा कहाँ कहाँ में हम लोग ये चैनल ट्रांजिशन वगैरह यूज़ करते हैं। जैसा अगर एग्जांपल हम लोग देखोगे, ये नोट में है सब, ठीक है, ये नोट में मैंने दिया है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिया है क्योंकि इतना ये क्या है कि हम लोग जब डिस्चार्ज को मेजर करना है तो वेंचुरी फ्लूम हम लोग यूज़ करते हैं, स्टैंडिंग वेव फ्लूम यूज़ करते हैं, पार्शियल फ्ल्यूम हम लोग यूज़ करते हैं। फ्ल्यूम मतलब डिफरेंट शेप होगा जिसको हम लोग करते हैं,
डिस्चार्ज को मेजर करने में, और अगर एनर्जी डिसिपेट करना होता है तो सडन ड्रॉप वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं चैनल में। क्या है डिसिपेशन, अगर हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग डिसिपेशन ऑफ एनर्जी अगर होना है तो हम लोग सडन ड्रॉप हम लोग चैनल बॉटम में यूज़ करेंगे। और इरिगेशन कनाल अगर है, स्कोरिंग, स्कोरिंग मतलब नीचे से मिट्टी वो धस के ना जाए, मतलब वो खैक मिट्टी जो चैनल बॉटम होता है उसे ख़त्म हो जाता है, मतलब वो पानी के साथ बह के ना जाए, इसीलिए हम लोग क्या करें वेलोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं चैनल बॉटम में। कोई नेविगेशन चैनल है सोचो, नेविगेशन चैनल होता है जहाँ पे शिप वगैरह चलने के लिए यूज़ करते हैं, तो हायर वेलोसिटी जरूरी होता है ताकि उसमें क्या है कि सिल्टिंग वगैरह बॉटम में ना हो। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कभी रिडक्शन करते हैं वेलोसिटी का या तो कभी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से, मतलब जहाँ में हम लोग को वो सिल्टिंग होने देना है, कहाँ में सिल्टिंग नहीं होने देना है, उसका अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। इसीलिए कहेंगे चैनल ट्रांजिशन प्रोवाइड करना जरूरी होता है। और जो चैनल सेक्शन का जो चेंजेस होता है वो मिनिमम एनर्जी डिसिपेट करे, ये हम लोग कैसे मिलेगा भाई, ग्रेजुअल एक्सपेंशन। अगर ग्रेजुअल एक्सपेंशन देंगे मतलब ग्रेजुअली हम लोग अगर एक चैनल को एक्सपेंड करेंगे तो एनर्जी डिसिपेशन क्या होगा, मिनिमम होगा, और ग्रेजुअल कनेक्शन से क्या होगा, वेल राउंडेड कॉर्नर मिलेगा, जो कॉर्नर होगा वो अच्छा राउंड मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंटेन ट्रांजिशन सच ऑफन चैनल क्रॉस सेक्शन मे बी रिड्यूस एज इफ ए ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड। मगर हम लोग कभी कभी क्या करेंगे, चैनल ट्रांजिशन तब प्रोवाइड करेंगे जब ब्रिज कंस्ट्रक्ट वगैरह करना है, तभी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और पायर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। देखिए कुछ कुछ चैनल ट्रांजिशन का मैं एग्जांपल दिया हूँ, सोचो एक है सडन कॉन्ट्रैक्शन वाला, ये है सडन एक्सपेंशन वाला, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन है, ये है ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन, ये है ग्रेजुअल एक्सपेंशन का, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्शन का, ये है ब्रिज पायर के लिए, ऐसे हम लोग देते हैं। तो ये सब हम लोग चैनल ट्रांजिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारे ट्रांजिशन है। तो इसके लिए क्या है कि हमारा सिलेबस के लिए इतना मोर देन एनफ है, ठीक है। तो ये वीडियो में इतना तक एनफ है, ठीक है। आप लोग थैंक यू।